आयरन फिलिंग एंड सल्फर वर मिक्स्ड टुगेदर एंड डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स ए एंड बी. दे आर सेइंग टू अस दैट आयरन फिलिंग एंड सल्फर आर मिक्स्ड टुगेदर and the mixture is divided into two parts. Means this part is also having iron sulfur. This part is also having iron sulfur. Now, part A was heated strongly. इसके नीचे आपने क्या लगा दिया? बर्नर. ठीक है. दिस पार्ट ए इज हीटेड स्ट्रॉन्गली व्हाइल पार्ट बी वाज नॉट हीटेड. व्हाइल पार्ट बी वाज नॉट हीटेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज एडेड टू बोथ द पार्ट्स. डाइल्यूट hydrochloric acid was added to both the part and evolution of gases were being seen in both the cases. And evolution of gases, isme bhi humne dilute HCl dala, isme bhi humne dilute HCl dala. And both of this part we have seen that there is evolution of gases. Now, how you will identify the gases evolved? How you will identify the gases evolved? इतना typical नहीं आता, मगर एक paragraph है iron और sulfur का. इसलिए हम ये कर रहे हैं क्योंकि इस पे एक practical base भी है. There is a practical भी. ठीक है. अब आयरन सल्फर जब हमने हीट करेंगे, ठीक है, इसको हीट नहीं किया, इसको हमने हीट किया. मैंने आलू गोभी डाल दी इसमें, पर मैंने सब्जी नहीं बनाई. तो मैं आलू गोभी को अलग कर सकती हूँ. चलो मैंने पाव भाजी बना ली. मैंने पाव भाजी की सबकी कटिंग कर ली, सबको डाल दिया, पर गर्म नहीं किया, तो सब्जियां अलग हो सकती हैं. मगर मैंने वही सब्जियां ली और उनको हीटिंग करने के लिए रख दिया और सब्जी तैयार हो गया. भाजी अलग हो सकती है, सब सब्जियां एक नई चीज बन जाएगी. वेजिटेबल विल नॉट रिमेन वेजिटेबल्स. सो इट विल फॉर्म आयरन सल्फाइड. क्या बनेगा यहां पे? कल भी किया था हमने, आयरन सल्फाइड. इसमें आयरन और सल्फर वैसे ही है, इसमें आयरन और सल्फर वैसे ही है. अब आप इसको बताओ, इसको तो छोड़ो, इसकी तो गैस हम बाद में स्टडी करेंगे क्या बनेगा. आपने एक मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर 8 में किया हुआ. मेटल जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? डू यू रिमेम्बर? You have iron, you have HCl. Can you see any carbon or oxygen in this? Can you see anything here? Carbon or oxygen, how can you form carbon dioxide then? They are asking us how you can say there is oxide. You can see any oxygen in this reaction? It is C. When metal are reacted with a acid, they are forming salt and hydrogen gas. You will remember, अगर उन्हें गैस पूछी है तो क्लोरीन तो सीएल तो बनेगी नहीं आपके लिए,
हाइड्रोजन बनेगी। अब ये याद रखो, अभी आपको रिएक्शंस लिखनी आती नहीं है, हमें अभी गैसेस पता होनी चाहिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कोई भी मेटल, एक रिएक्टिविटी सीरीज का नेम सुना, रिएक्टिविटी सीरीज, कोई भी मेटल जब हाइड्रोजन से अबव होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके उसमें से हाइड्रोजन गैस अलग कर देता है। कौन सी गैस अलग होती है? हाइड्रोजन। आपकी इस पर्टिकुलर चैप्टर में सिर्फ आयरन की ही बात होती है बारी बारी। अगर आयरन को आपको एसिड के साथ रिएक्ट करना पड़े तो आपको कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन गैस। आपको कंप्लीट रिएक्शन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू में अगर गैस पूछी जाए तो आपको याद होनी चाहिए कि हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, समझ आ रही है? और हाइड्रोजन गैस को हम डिटेक्ट कैसे करेंगे बेटे? हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड से बर्न, जैसे पॉपकॉर्न टक टक की आवाज आती है, वैसे ही बर्निंग मैचस्टिक लेके आओगे, वैसे जैसे पॉपकॉर्न बनने की आवाज आती है ना, वैसे ही हाइड्रोजन गैस बर्न करती है। समझ आ रही है? अब इस केस में एसिड डाला, फर्स्ट केस में एसिड डाला तो कौन सी गैस मिलती है? क्योंकि हमारा क्या बन गया? हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आयरन सल्फाइड बन गया। इसमें भी वही एसिड डाला है हमने, तो अब याद रखना, अब जो गैस बनेगी अकेली हाइड्रोजन ही एक गैस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होती है बेटे? H2S। इसकी इतनी गंदी स्मेल आती है, रोटन एग लाइक स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है? रोटन है। अभी केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे नेक्स्ट वीक, शायद यही इस गैस को बनाएंगे, तो आप ना केमिस्ट्री लैब के आगे से गुजरना और आपको पता चल जाएगी इसकी स्मेल क्या है। उन दिनों में केमिस्ट्री की लैब से वैसी बाहर से स्मेल आ रही होती है जब हम इस गैस के साथ वर्क कर रहे होते हैं, तो आपको हाइड्रोजन सल्फाइड का पता चल जाता है दूर से ही कि गले अंडों जैसी बहुत ही गंदी स्मेल होती है इसकी। समझ आ रही है? तो अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए कि अगर हमने दो चीजों को मिक्स किया और उसमें HCl डाला तो हमें कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन गैस। अगर उनको हीट कर दिया तो कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन सल्फाइड। समझ आ रही है? FeCl2, फेरस क्लोराइड, सॉल्ट है ये, आयरन का सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब ये नहीं होता नमक, दैट इज ओनली कॉमन सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब होता है कोई भी चीज। क्या आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है एड्स में? पढ़ी है। तो उसको न्यूट्रलाइजेशन में आप ये वाली रिएक्शन लिखते थे, NaOH प्लस HCl गिव यू NaCl प्लस वॉट, ये करते थे आप? वो सॉल्ट नहीं, वो ऑक्साइड है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, और आपको हमेशा जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। सॉल्ट का मतलब ये नहीं है कि नमक कॉमन सॉल्ट ही है। सॉल्ट का मतलब है अगर मेरे पास कुछ और बेस होगा तो मेरे पास यही एसिड होगा, तो मेरे पास ये वाला भी सॉल्ट बन सकता है। दिस इज यू विल डू इन क्लास 10th। सॉल्ट सिर्फ दैट इज अ कॉमन सॉल्ट। सॉल्ट मींस एनी स्पीशीज व्हिच इज मेड अप ऑफ एसिड एंड बेस रिएक्शन, हाँ वो कॉमन सॉल्ट होता है। अदरवाइज सॉल्ट का मतलब ये नहीं है कि जो एक ही टाइप का सॉल्ट होता है। चले आगे।
ऐसे ऐसे ज्यादा बढ़ जाता है तो आप सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे लेते हो, क्योंकि दे आर वीक बेसिस, एंड वी विल डू इन क्लास 10, 10। अभी ये कर ले, 9th एग्जाम दे दे। हाँ, अभी ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करके आप सेपरेट आउट कर सकते हो, वो वाले को सेपरेट आउट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों को रिएक्ट कर रहे हो, आपको क्या मिल रहा है? वाटर, जो कि एक लिक्विड है। तो वाटर की प्रॉपर्टीज अलग हैं, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग हैं, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग हैं। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उसके एलिमेंट जैसी नहीं होती। सोडियम कैचेस फायर, क्या नमक कैचेस फायर? NaCl में सोडियम है पर Na कैचेस फायर, बट NaCl तो नहीं। तो जब कोई चीज कंपाउंड बन जाती है, कच्ची सब्जी और टेस्ट करती है, बन के और टेस्ट करती है। समझ आ गई है? पढ़े आगे तो जा क्लास के बाहर, नो तो। अब मैं थोड़े से assertion reason करवा दूं बेटे आपको, कि वो भी करने आए। अब यू हैव डन असर्शन रीजन, आपको पता है कितने? चलो ठीक। अब मैंने ऑप्शन इतनी नहीं, आप मुझे स्टेटमेंट बोलूंगी, आप बताओ ये करेक्ट है कि रॉन्ग है, बस दैट्स इट। स्टेटमेंट लिखने की जरूरत क्या हमें? अब आपके लिए एक स्टेटमेंट है, आप ये सोचो। और आपने हैंडल ने मैं नहीं बोलना, बकरी नहीं बनना। में क्या बोली? असर्शन, सिल्वर ब्रोमाइड कंपाउंड इज मेड अप ऑफ सिल्वर एंड ब्रोमीन एलिमेंट। सिल्वर ब्रोमाइड कंपाउंड इज मेड अप ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड कंपाउंड इज मेड अप ऑफ सिल्वर एंड ब्रोमीन। केमिकल वाला नाम ही है सिल्वर ब्रोमाइड। आप आगे से यहां नहीं बैठोगे, समझ आ रही है? सीट मैंने आपकी फिक्स करनी है। अब सिल्वर ब्रोमाइड कंपाउंड है, जो वो कह रहे हैं कि दो एलिमेंट्स का बना है, सिल्वर और ब्रोमीन। क्या ये सही है? दिस इज बेटे सिल्वर ब्रोमाइड। दिस इज सिंबल ऑफ सिल्वर, दिस इज सिंबल ऑफ ब्रोमीन, एंड सिल्वर ब्रोमाइड इज अ कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ सिल्वर एंड ब्रोमीन। जब बेटे कईयों को तो अभी तक ये ही नहीं पता होता
यहाँ पे ब्रोमाइड बोल रहा है, यहाँ पे ब्रोमी, ये तो रॉन्ग हो गया। आई नो। जब बेटे कोई भी कंपाउंड बनता है, अब ध्यान से सुनो, जब कोई आयनिक कंपाउंड, जिसे हम आयनिक बोलते हैं, जब वो कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है कोई स्पीशीज, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसको एलिमेंट, अकेला पड़ा तो वो ब्रोमीन है, अकेला पड़ा तो गोभी है वो, पर भाजी में डल की गोभी नहीं रही। समझ आ रही है? उसमें एक अकेला वो नहीं। अब जब सिल्वर और ब्रोमीन दोनों रिएक्ट करें, तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इससे हम करेंगे क्लास टेंथ में, तो अब इसको ब्रोमाइड बोलते हैं, आइड। अभी भी वो करोगे आप नाइन्थ स्टैंडर्ड में, नेक्स्ट चैप्टर में, वेलेंसीज। ठीक है? जब जैसे हम ऑक्सीजन बोलते हैं ना, जैसे आप याद है, आप मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन तो नहीं बोलते, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हो, क्योंकि जब ऑक्सीजन एज अ गैस है वो O2 है। अब ये ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, ये क्या बन गई? ऑक्साइड। समझ आ रही है? बिल्कुल सही असर्शन कि सिल्वर ब्रोमाइड एक कंपाउंड है जो बना किसका है? सिल्वर और ब्रोमीन का। अब रीजन दे रहे हैं जी हमें, सिल्वर ब्रोमाइड इज अ प्योर सब्सटेंस। बिल्कुल सही है रीजन एज ए स्टेटमेंट कि सिल्वर ब्रोमाइड एक क्या है? प्योर सब्सटेंस। क्या आपको लगता है कि ये इसका रीजन है? ये इसका रीजन नहीं है। ठीक है? नॉट दैट, आगे से ना मैंने ना खुद ही बोलना है। A saturated solution becomes super saturated on cooling. Next assertion. A saturated solution becomes super saturated on cooling. A saturated solution becomes super saturated on cooling. Why? What is the difference between saturated and super saturated? फिर व्हाट इज द डिफरेंस? यस, कम क्यों हो जाएगा? फिर अच्छा, फिर तो अगर वाटर का कंटेंट कम हो गया है बेटा।
What is the difference then? इंक्रीज कर दे माइनस करने की जगह सिट डाउन जब आप बोले वो बोली बीच में मैंने नमक को पानी में घोला अभी ये नॉर्मल पानी है मेरे पास ठीक है इसको घोल दिया अब कुछ पॉइंट के बाद इसमें नमक घुलना बंद हो जाएगा तब मैं बोलूंगी कि ये सॉल्यूशन क्या है सैचुरेटेड क्योंकि अब ये जो रूम टेम्परेचर है इसके ऊपर पानी नहीं घुल रहा ठीक है अब इसी बॉटल का पानी मैं बीकर में ट्रांसफर करूंगी और इसको मैं हीट करना शुरू कर दूंगी वो इवेपोरेट नहीं करेगा उनके मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जिसके कारण वो मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे वाटर के और आपके पास और स्पेस बच जाएगी जिसमें नमक और ऐड कर सकते हो आप समझ आ रही है ये क्लास पूरी भरी हुई है इसमें और स्टूडेंट्स नहीं आ सकते मगर इस क्लास की अगर दीवार तोड़ दी जाए और बेंचेस दूर दूर लेके चले जाएं हम तो बीचे बीच में आ सकते हैं समझ आ रही है और अगर ये वॉल वापिस से बना दी जाए तो जो एक्स्ट्रा बच्चे ऐड हुए हैं वो वापिस से बाहर जाएंगे अब ये जो क्वेश्चन था कि अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम सुपर सैचुरेटेड ऑन कूलिंग बिल्कुल ठीक है बेटे मैंने नमक पानी में घोला है यही पानी में फ्रिज में रख दूं तो ये नमक प्रेसिपिटेट आउट करना शुरू कर देगा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो पानी ठंडा होने के कारण उसके मॉलिक्यूल आ जाएंगे पास पास अब उसमें आप और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकोगे क्योंकि आपने उसको ठंडा कर दिया तो मॉलिक्यूल आगे पास पास समझ आ रही है ये ही क्लास को ये मान लो पिस्टन लगी है कि दीवार नहीं है बच्चे फुल हैं अगर मैं पिस्टन से इसको ऐसे लेके जाऊंगी तो बच्चे आधे बाहर निकल जाएंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे ये सॉल्यूशन अभी सैचुरेटेड था जैसे ही मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया स्पेस कम हो गई मॉलिक्यूल को पास पास आना पड़ा और एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलना पड़ा तो बिल्कुल सही है जब आप किसी चीज को ठंडा करते हो तो सैचुरेटेड क्या बन जाता है सुपर सैचुरेटेड इसमें आप और नहीं घोल पाओगे अब व्हाट आर दे गिविंग अस रीजन दे आर गिविंग अस द रीजन इट इज बिकॉज द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर रीजन सॉल्युबिलिटी decreases with decrease in temperature. Solubility होती है किसी चीज की कितना वो soluble है एक kg of अगर आप specify कर दो water उसमें कितना आपका सॉल्यूट सॉल्युबल है सेम ये सॉल्युबिलिटी नहीं सॉल्युबिलिटी लिखवाया था ऑनलाइन के नतीजे है ये ऑनलाइन है पहले मैं क्वेश्चन क्लियर कर लूं Solubility decreases with decrease in temperature.
Why this line is true? डिक्रीज द टेम्परेचर मतलब आपने ठंडा कर दिया, आपने ठंडा कर दिया, मॉलिक्यूल पास पास आ गए तो अब कम डिजोल्व होंगे. तो जब आप इस चीज को ठंडा कर देते हो तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज. क्योंकि जब आप मॉलिक्यूल पास पास लेके आओगे तो वो क्या बन जाएगा, देन सुपर सैचुरेटेड. यस गौरव, नाउ टेल मी व्हाट द डाउट यू आर हैविंग. सिट डाउन देयर, ओनली स्पीक, बोलो. मैक्सिमम, क्योंकि हमने मैक्सिमम कह दिया. जब बेटे आप किसी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है. घर में अगर आपको मामा नींबू पानी बनाने को दे रहे हैं ना, ठंडे पानी में नमक जल्दी नहीं घुलेगा जितना गर्म पानी में घुलेगा. तो आपने जब गर्म किया तो टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज किया, तो सॉलिबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज. सुपर सैचुरेटेड, हमने एक पर्टिकुलर, हमने गर्म नहीं किया. हमने क्या किया, हमने बॉटल नॉर्मल ली, आपने आरओ से अपना पानी निकाला, ग्लास में डिजोल्व करने लग गए, तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर है, जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक रूम टेम्परेचर में डिजोल्व हो रहा है वो उसकी सॉलिबिलिटी है. तब सॉल्यूशन क्या हो रहा है, सैचुरेटेड. समझ आ रही है? वही आप वाटर को जब आप गैस पे रख दोगे, अब और आपका नमक डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड. क्योंकि अब इसके बाद तो जितना मर्जी आप इंक्रीज कर लो टेम्परेचर, तो और डिजोल्व होगा नहीं. बेटे ठंडा कर, अगर मैं ठंडा कर दूंगी तो वो बिकम तो सुपर सैचुरेटेड जाएगा ना, उस टाइम आप कुछ डिजोल्व नहीं कर पाओगे. अगर मैं ठंडा कर दूं, मान लो मैंने आपको बर्फ वाला पानी दे दिया, पहले ही बर्फ वाला दे दिया, तो आपका सोल्यूशन उस टाइम क्या है, सुपर सैचुरेटेड है या नहीं है. बस गेन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज नॉट अ एमसीक्यू अगेन, दिस इज अ क्वेश्चन विच कैन फॉर्म इन टू एमसीक्यू. Which of the following are not compound? First is chlorine gas. Is it a compound or not? See, again you are not raising the hand. So you told that it is not a compound, it is an element which is made up of atom, that is Cl2. Next question. Potassium chloride. पोटेशियम क्लोराइड